हम बनाने जा रहे हैं फिरनी, जिसके लिए आपको चाहिए शक्कर, दूध, भीगे हुए चावल, जाफरान, पीसी हुई इलायची। भीगे हुए चावल को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, ये देख लीजिए ये मोटा मोटा है। इसमें आपको पानी नहीं डालना है और ये है ठंडा दूध। आपको इस दूध में इस ये चावल को मिक्स करना है। तब तक हम ये वाले दूध के अंदर शुगर डालेंगे ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और हम इसमें डालेंगे सैफ्रॉन, इसको चलाएंगे। हम डालेंगे सैफ्रॉन, जैसे जैसे दूध बॉईल होता जाएगा सैफ्रॉन का कलर छूटेगा और शुगर मेल्ट होगी। ठंडे वाले दूध में पीसे हुए चावल डालेंगे। पूरे चावल डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये जो है तो पूरा अच्छे से इसमें घुल गया है, इसमें एक भी इसका लम्स बाकी नहीं है। और ये यहाँ पर देखिए सैफ्रॉन का पूरा कलर दूध में छूट गया है और दूध का कलर देखिए येलो येलो हो गया है। तब हम ये राइस इसके अंदर डालेंगे। आप इसे कंटिन्यू हलाते हैं ताकि राइस नीचे ना लगे और वो बराबर हो। देखिए ये गाढ़ा हो गया है, इस तरह उसको गाढ़ा होने दे। अब इसमें इलायची पाउडर मिक्स करें और 2 मिनट पकने दें। ये देखिए इसमें इलायची पाउडर मिक्स करें और इसको 2 मिनट के बाद बंद कर दें। और बंद करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इसको 1 घंटा रेफ्रिजरेटर में रखें। इसको फ्रिज में ठंडा होने के बाद आप इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे, गार्निशिंग करके इसको सर्व करेंगे। अच्छी तरह गार्निशिंग कर ले और